ते शाकिरनं पहिल्या चेंडूवरती पहिलं यश मिळवून दिलेलं आहे. मला वाटतंय लास्ट मॅच मध्ये सुद्धा असंच घडलं होतं काहीतरी. शाकिरच्या व्हेरी फास्ट बॉल विकेट होती दोन्ही डावामध्ये. आय थिंक मला बघायचं शाकिरचं बॉलिंग विश्लेषण मागच्या मॅचचं. यस यस, दोन्ही मॅच मध्ये शाकिरनं पहिल्या चेंडूवरती यश मिळवलेलं आहे आणि निश्चित ही मोठी उपलब्धी आहे. व्हेरी फास्ट बॉल मॅचच्या पहिल्या चेंडूवरती फलंदाजाला बाद करणं मला वाटतं मोठं पराक्रम आहे आणि हा भीम पराक्रम इथं शाकिरनं केलेला आहे. इकबाल सिल्लोडचा खेळाडू आहे शाकिर गोलंदाजी करत असताना. एक धाव इथे मिळेल. दोन्ही संघांना खरं तर पराभव स्वीकारावा लागलेला अत्यंत चुरशीच्या मॅचमध्ये. पहिली मॅच सुद्धा प्रचंड चुरशीची झालेली होती, दुसरी मॅच देखील तितकीच चुरशीची आपल्याला बघायला मिळते. अत्यंत काट्याची लढत आपण पाहिली आणि तिसऱ्या मॅचकडे आपण आलेलो आहोत. मॅच सुरू होते इथे. ओहो, सुंदर फटका, सुंदर फटका, अक्रॉस द लाईन चेंडू हवेमध्ये भिरकावून दिलाय थेट पॉवर स्टँड वरती चेंडू, षटकार. जर पावसाचा थेंब पडला तर त्याचे मोती होतात. सागरच्या बॅट मध्ये चेंडू आला तर त्याचे मोती होतात. सागर मोतीकर कडून एक षटकार. परत एकदा एक धाव मिळेल सागर मोतीकरला. धाव फलकावरती आपण बघू शकतो धावा 8, षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये सुरू असताना सागर मोतीकर नॉन स्ट्राईक एंडला. स्ट्राईक एंड वरती आपण बघाल किशोर लवे. या अगोदरच्या मॅच मध्ये 28 धावांची खेळी किशोर लवेने साकारली. मॅन ऑफ द मॅच देखील पटकावला. परत एकदा किशोर ऑन द मार्क. बाहेरची कट घेतलेली आहे, गॅप तिथे निश्चित मिळाला नाही. बॅकफुट पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक डावा हात त्याने खरं तर चेंडूच्या समोर आणला आणि तीन धाव आपल्या संघासाठी सेव्ह केलेले आहेत. एक धाव मिळेल धाव फलकावरती 9 धावा. षटक क्रमांक पहिलं मैदानामध्ये सुरू आहे. एक धाव किशोर नॉन स्ट्राईक एंडला तर स्ट्राईक एंड वर तुम्ही बघताय सागर मोतीकरला. यस यस, आखू टप्प्याचा चेंडू होता इथे डावेष्टीवरती. हुकचा प्रयत्न केला तिथे सागरनं, मात्र प्रयत्न फसला, तिथे निर्धाव चेंडू ठरेल. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धाव फलकावरती आपण बघू शकतो धावा 9 ऑन द बोर्ड. लॉस ऑफ वन विकेट. इकबाल सिल्लोड, इकबाल सिल्लोडच्या विरोधात यू आर डी फायटर्स. चार संघ आजच्या शेवटच्या पूल मध्ये, 32 संघांचा सहभाग पूर्ण झालेला आहे स्पर्धेतला. मला पार्थ दादा पवार फाउंडेशनच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना धन्यवाद द्यायचंय की एखाद्या स्पर्धेमध्ये 32 संघ पूर्ण करणं ही सोपी गोष्ट नसते, जोक तर नसतोच नसतो. त्यासाठी प्रचंड मेहनत घ्यावी लागते आणि त्यांनी ती घेतलेली आहे. 32 संघांचा प्रवेश पूर्ण होतो स्पर्धेतला. गेले 4 दिवस आम्ही या संघांना बघतोय आणि या सुंदर नियोजनामध्ये ही स्पर्धा पुढे जाते. निर्धाव चेंडू ठरतोय गोलंदाजी मार्कवरती. अल्ताफ काय मॅन आहे, काय गोलंदाज आहे हा खेळाडू. अल्ताफनं पहिल्या सामन्यामध्ये सुद्धा 2 षटकामध्ये मात्र 12 धावा खर्च केल्या होत्या. एक गडी टिपला होता. धावा खर्च करण्याच्या बाबतीमध्ये हा फलंदाज भारतीय महिलांना लाजवेल. खर्च करण्याच्या बाबतीमध्ये धावा खर्च तोच करू कमी करतोय, धावा अडवायचं काम तोच करतोय. काटकसर करायचं काम मात्र भारतीय महिला उत्तम करतात. इथे 2 चेंडू लागोपाठचे निर्धाव. अल्ताफ परत एकदा गोलंदाजी मार्कवर. दुसऱ्या षटकामध्ये वेगवान गोलंदाज हा तोफखाना आहे. प्रतिस्पर्ध्याला कसं खिंडीत गाठायचं, कोंडीत पकडायचं हे अल्ताफला चांगलं माहिती आहे. चांगला फटका एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये. लॉंगऑफचा क्षेत्ररक्षक तिथे पोहोचला. थ्रो येतोय. 2 धावा. विलक्षण वेगवान धावगती किशोर लवे आणि सागर मोतीकर. विकेटच्या मध्ये इतकं वेगवान आहे तुम्ही बघाल. हुसेन बोल्टला सुद्धा मागे टाकतील कदाचित. अर्थात 100 मीटर रेस मध्ये तो आवरणार नाही तुम्हाला, हा भाग वेगळा आहे. पण इथे 22 यार्डामध्ये तुम्ही सक्सेस ठरू शकता. ओहो, इथे खूप सुंदर फटका आहे. मात्र थोडासा सुंदर म्हणताय ना, थोडासा फसलेला आहे. वरची कट घेतली बॅटची. सुदैवी ठरला किशोर तिथे. चेंडू लॉंगॉनच्या हातापर्यंत पोहोचला नाही. धाव फलकावरती 12 धावा. षटक क्रमांक 2 मैदानामध्ये सुरू आहे.
अल्ताफ यस इथे फटका खेळलाय, पुन्हा एकदा लॉफ्ट केला हा फटका होता, तिथे क्षेत्ररक्षक लॉंगॉनला तयार आहे, एक धाव सागर मोतीकरला, धाव फलकावरती अलगत, पुढे स्कोर 13, षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू आहे, 13 धावा, पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा, या षटकामध्ये केवळ 4 धावा, विशेष म्हणजे एकदाच 2 मिळालेत, बाकी 2 चेंडूला 2 आहेत, उंच उडालेला हा चेंडू, क्षेत्ररक्षक तिथे खाली स्पाइन लेगला टिपला झेल आणि किशोर लवे बाद धक्का क्रमांक 2. बघा इकबाल सिल्लोड संघाचे 2 गोलंदाज आहे, एक शाकिर, शाकिर बघितला तुम्ही, शाकिरनं दोन्ही सामन्याची सुरुवात विकेटने केली, पहिल्या बॉलला सामन्याचा विकेट घेतली, तर अल्ताफ असा गोलंदाज आहे त्याने दोन्ही सामन्यामध्ये जेवढी षटकं टाकली शेवटच्या बॉलला विकेट घेतलेली आहे, पहिल्या सामन्यामध्ये दुसरं षटक टाकलं शेवटच्या बॉलला विकेट, दुसरं पहिल्या सामन्यामध्ये चौथं षटक टाकलं त्याने शेवटच्या बॉलला विकेट, रनआउट मिळाला त्याला आणि या मॅचमध्ये त्याने शेवटच्या बॉलला विकेट काढलेली आहे, हा फॅक्ट आहे. चला जाऊ मैदानामध्ये, इथे 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न सागर मोतीकरचा यशस्वी ठरेल, 1 रन शॉर्ट आहे, स्क्वेअर लेग पंच तिथून कळवत आहेत आणि माझं लक्ष सगळ्याकडे असतं. स्क्वेअर लेग पंच अजय आवळे सर तिकडून इशारा करतायत, यस शॉर्ट रन, धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा असतील 14, एक कमी करायच्या, यस 14 धावा, राईट स्कोर 14, लॉस ऑफ 2. तर नवीन फलंदाज बंटी मैदानामध्ये, बंटी काटेला आपण बघाल, बंटी काटेला आपण बघाल नॉन स्ट्राइक एंड वर, युवराज काटे, पार्थदादा पवार चषक बारामती तालुक्यामध्ये काटेवाडी या गावामध्ये सुरू आहे आणि त्या स्पर्धेचे आयोजक बंटी काटे, तुम्ही स्ट्राईक एंडला अर्थात मैदानामध्ये फलंदाजीसाठी नॉन स्ट्राईक एंडला बघू शकता. गोकुळच्या हातामध्ये चेंडू सोपवलाय, पहिला षटका हा पहिला चौकार, मला तो खूप अंतरामध्ये चौकार आलेला आहे, या सामन्यातला पहिला चौकार, या अगोदर एक षटकार आपण पाहिला होता. चला मैदानामध्ये गोकुळ तयार असेल, समोर फलंदाज सागर मोतीकर, या खेळाडूचं निश्चित मला प्रचंड कौतुक आहे, ते कौतुक याच्यासाठी आहे तुम्ही सागर मोतीकरला बाहेर आल्यानंतर मॅच संपल्यानंतर त्याचा हात बघा, मला वाटतंय उजव्या हाताचं जे अंगठ्याचं हाड आहे ते निश्चित प्रकारे दुखावलेलं आहे, त्यामध्ये प्रचंड सूज आहे आणि असं असताना तिथं त्याचं आपण म्हणतो ना त्याचं वेदना देखील खूप मोठ्या आहे, असं असताना देखील सागर मोतीकर मैदानामध्ये येतो काय, षटकार चौकार ठोकतो काय, निश्चित या खेळाडूला या खेळाडूचं कौतुक व्हायला पाहिजे. जितनी सराहना करे ना उतनी कम आहे सागर मोतीकर. धावफलकावरती आपण बघू शकतो धावा 20 आहे, जखमी असताना देखील संघासाठी तो उभा राहतो आणि विशेष म्हणजे तो धावा आणतोय खोऱ्यानं स्ट्राईक एंड वरती सागर मोतीकर. यस यस यस, या फटक्यांची आम्हाला उत्सुकता होती आणि सागर मोतीकरच्या बॅटमधून या मैदानामध्ये आम्ही ते नेहमीच बघितलेले आहेत, आज पुन्हा एकदा षटकार. मोतीकर असा खेळाडू आहे की त्याने धावा बनवलेल्या आहेत 19 धावा, 19 रन नॉट आउट सागर. परत एकदा बाहेर जाणारा चेंडूला पूल केलं, गॅप तिथे मोठा, 200 रक्षक मधोमध चेंडू च्या समोर येत आहेत, अडवतायत, प्रयत्न फसलेला चेंडू सीमारेषेच्या आतमध्ये अडवलाय आणि तिथून काही धावा मिळतील सागर मोतीकरला, 3 धावा या चेंडूवरती आणि याच बरोबर एक डाव इथे संपेल, 3 षटकांचा खेळ संपला, 29 धावा, URD फायटर्स या मैदानामध्ये विजयासाठी इकबाल सिल्लोड संघासमोर 30 धावांचं आव्हान आहे, 30 रन्स रिक्वायर्ड टू विन फॉर इकबाल सिल्लोड. पार्थदादा पवार फाउंडेशनचा हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे, पार्थदादा पवार चषक 2022, पार्थदादांचा वाढदिवस आपण साजरा करतोय
आणि त्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून इथे एका सुंदर स्पर्धेचं आयोजन आपण बघतोय. आणि त्या सगळ्या आयोजकांना मला पुन्हा एकदा धन्यवाद द्यायचे आहेत. बबलू शिंदे, टिपू भोसले, मयूर शेट्टी, शाहरुख मुलानी, शंभू मोरे, अभय चव्हाण, गणेश भोसले, हर्षवर्धन शेलार, सनी काशिद, अजय सोनावणे, रोहन खाडे, सूरज थोरात, सगळ्यांचं कौतुक. 2,00,000 रुपये पारितोषिक असलेली स्पर्धा, 16 संघ तालुकावाईज, 16 संघ खुल्या गटातील, आणि विदर्भातले संघ तर आज मराठवाड्याचा संघ मैदानामध्ये आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातले अनेक ताकदवान खेळाडू संघामध्ये मैदानामध्ये आले, तर मुंबई आणि परिसरातून देखील संघांनी हजेरी लावली. पा आता आज मैदानामध्ये तुम्ही बघताय अंबरनाथ हा खरं तर सह्याद्रीच्या पलीकडून संघ मैदानामध्ये दाखल झाला, कोकणातून संघ मुंबईच्या परिसरातून दाखल झालेला आहे. तर या मैदानामध्ये आज विदर्भातला संघ खेळतोय, आज मराठवाड्यातला संघ देखील मैदानामध्ये तुम्हाला बघायला मिळेल. तर पश्चिम महाराष्ट्रातील दोन दिग्गज संघ अर्थात एडे मच्छिंद्र आणि यू आर डी फायटर्स देखील मैदानामध्ये आहे. चला ही लढाई अशी सुरू राहणार आहे आणि पुन्हा एकदा इथे माझी वेळ संपेल आणि पुन्हा एकदा नव्या दमात नव्या जोशात समालोचन सुरू होईल आणि आपण ऐकत राहाल, ऐकतच राहाल, मंत्रमुग्ध व्हाल जेव्हा प्रशांत आदवडे सर माईकवर देतील. थँक्यू. शुक्रिया नरेश सर. इथे आपण निश्चितच अभिजित सरांना देखील पाहतोय व्यासपीठावरती, अर्थात आमच्या स्टुडिओमध्ये आहेत. दुसऱ्या बाजूला मंथन स्कोरिंगचं काम करत आहेत आणि जिंकण्यासाठी आव्हानाचा विचार केला तर एकूण या ठिकाणी धावांची आवश्यकता आपण पाहू शकता, 30 धावांची आवश्यकता आहे. आजचा दिवस आहे आणि 12 मार्च 2006 रोजी एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा 434 धावांचा यशस्वी पाठलाग आपण पाहिलेला होता. एकूण 99.5 षटकामध्ये 872 धावा आणि 13 विकेट्स, एक विजेता दक्षिण आफ्रिका. एका संघाच्या सर्वाधिक धावांचा वन डे इतिहासात प्रथमच 400 पेक्षा अधिक धावा झाल्याचा पहिला विक्रम 4.25 तासच टिकला. आफ्रिकेच्या अर्सेल गिब्न विध्वंसक फलंदाजी करत 111 चेंडूमध्ये 175 धावा कुठल्या आणि तोच या मॅचचा शिल्पकार ठरला. 30 धावांचा पाठलाग होतोय. मैदानामध्ये सुरू असलेला सामना देखील दोन संघांसाठी अतिशय महत्त्वाचा आहे. युरडी फायटर आणि सिल्लोडचा संघ मैदानामध्ये आहे. यानंतर पुढचा सामना आहे त्याचा टॉस देखील केला जाईल. आघाडीची जोडी मैदानामध्ये असतील, परवेज आणि रिहान, गोलंदाजी मार्गवरती तुषार झगडे. 3 ओव्हर का ये मुकाबला, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. बाहरी किनारा, ओ कैच छूटा है, विकेट कीपर ने कैच छूटा है, छोड़ा है. खास करके एक बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी और पान के ऊपर से खेलना चाहते थे. शरीर के करीब गेंद नहीं थी, दूर गेंद थी और बल्ले का बिल्कुल बाहरी के अंदर लगा था. विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है, किशोर लबे ने कैच छोड़ा है. नाना 11 अंबरनाथ टीम के कप्तान और क्रांति सिंह नाना पाटिल स्पोर्ट टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं टॉस के लिए आइए. बैकफुट जाके ऑनसाइड पर एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे. टप्पा खाने के बाद उछाल था, बहुत अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा तुषार द्वारा. इससे पहले इन्होंने खास करके क्रांति से नाना पाटिल स्पोर्ट के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था. और देखिए ये मैच अभी इसलिए खेल रहे क्योंकि तुषार झगड़े का स्पेल बहुत अच्छा रहा. बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए रिहान, एक एंड पर परवेज जिन्होंने पिछले मैच में कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था लेकिन रिहान के ऊपर निगाह रहेगी. बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, गेम चेंजर खिलाड़ी साबित हुए थे. 3 ओवर का मैच है, पावर प्ले ऑन है, फ्लाइंग स्लिप पर खिलाड़ी मौजूद है, गली की तरफ खिलाड़ी है, पॉइंट का खिलाड़ी बाउंड्री की तरफ रखा हुआ है, एक्स्ट्रा कवर पर बिल्कुल एक खिलाड़ी मौजूद, ऑन साइड पर मिड ऑन है, डीप स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी है और फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं. कॉम्बॉक्सिन से गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार है. प्रमुख गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं तुषार झगड़े. इस ओवर की अगली गेंद, पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. मिड ऑन का खिलाड़ी दायरे के अंदर रखा हुआ है, फील्डिंग में और तब्दीली करना चाहते हैं. इस ओवर की अगली गेंद बहुत तेज रफ्तार के साथ भागना शुरू कर दिया है.
और टप्पा खाने के बाद थोड़ी लेग स्टंप की तरफ जाती हुई गेंद और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। किशोर लवे इस वक्त रिएक्ट हुए थे, लेकिन गेंदबाज की तरफ से देखिए रिएक्शन क्या थी, गेंदबाज की तरफ से ज्यादा कुछ रिएक्शन नहीं थी। किशोर लवे जोरदार अपील करते हुए, फिलहाल ये क्रूशियल ओवर है दोनों टीम के लिए, अच्छा ओवर साबित होता बा 18 गेंदों में 30 रन चाहिए तो ये मुकाबला एक बार फिर रोचक हो सकता है। पहले मैच में शानदार प्रदर्शन रहा है इकबाल क्लब सिल्लो टीम का, मुजीब बिल्डर उसके साथ फैयाज खान टीम के ओनर हैं। मैदान के अंदर देखे तो एक अच्छा बैटल जारी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्टेडियम पर एक जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त घमासान, 2 लाख की नकद राशि उसके साथ अगर देखे तो कुछ सारे ट्रॉफी का इंतजार हो रहा है। चैंपियन टीम के लिए 2 लाख मिलेंगे, उसके साथ अजिंक्य बाहु ढमाल इस प्राइस के स्पॉन्सर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तुषार जगड़ी तैयार है, उड़ाया आसमान की तरफ बहुत ऊपर जाती हुई, खिलाड़ी है मौजूद, ले लिया कैच, रिहान बैक टू द पेबल जाते हुए पहले विकेट का पतन हुआ है। फिलहाल ये मुकाबला बहुत रोचक बनने वाला, तुषार की तारीफ हो जाएगी, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा, वाह क्या गेंदबाजी की है। इस ओवर में अभी तक केवल 1 रन आया है, रिहान को एक बार फिर मौका मिला था अपने बाजू खोलने के लिए, लेकिन बहुत ऊपर चली गई थी, एलिवेशन ज्यादा था, दूरी कम थी और इसलिए गेंद सीधी डीप मिड विकेट के खिलाड़ी की गोदी में जाते हुए पहला ब्रेक थ्रू इस वक्त देते हुए तुषार। 18 गेंदों में 30 चाहिए तो आपको विकेट तो चाहिए, यू आर डिफाइडर की टीम बहुत ही बेहतरीन खास करके गेंदबाजी कर रही है, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन की तरफ से। अब नंबर 3 पर बल्लेबाज शाहरुख, शाहरुख एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। नंबर 3 पर आते हुए विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, महान बल्लेबाजों का नंबर है और जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। देखिए रन देखिए केवल 1 रन बना है और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है, 1 विकेट आपने खोया है। पहले मैच में गेम चेंजर खिलाड़ी बने थे रिहान। तुषार तैयार इस ओवर की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, अब आगे गेंद है और ये कैच नहीं होगा, प्रयास बहुत अच्छा किया गया था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। तुषार झगड़े ने क्या गेंदबाजी की है, प्रभावित किया, केवल 2 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 30 रनों का लक्ष्य रखा हुआ है। लक्ष्य अगर देखे तो इतना भी बड़ा नहीं है, लेकिन ये जो मुकाबला है जिसमें शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज यूआरडी की टीम, जिन्होंने पहले मैच में एडी मच्छुंद्र टीम को हराया था। इस मुकाबले की बात करें तो एक बार फिर अच्छा मौका बनाया है, सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा तुषार झगड़े द्वारा, कदम का इस्तेमाल किया, स्ट्रोक अच्छा, मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई, नाइस यूज ऑफ द फीट एंड ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम द बैट्समैन, शाहरुख के बल्ले से एक खूबसूरत चौका दबा। इस खूबसूरत चौके के साथ स्कोर एक बार फिर आगे बढ़ता, रन संख्या 6 रन, जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ सफल ओवर का खेल रहा, 1 ओवर 6 रन और 1 विकेट 1 शिकार तुषार झगड़े ने किया। ये बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर, मैदान पर खेल हो रहा है लाजवाब, किसके रंग में होगा भंग, किसका पूरा होगा खाप। फिलहाल इस मुकाबले में थोड़ा सा इंतजार करना होगा, अगले ओवर में मिलेगा इस सवाल का जवाब। बहुत ही जबरदस्त खेल मैदान के अंदर, 12 गेंदों का खेल से और जीतने के लिए यहां से और 24 रनों की जरूरत। बल्लेबाज स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाजी करने के तैयार, परवेज ऑन स्ट्राइक, फ्लाइंग स्लिप पॉइंट, कवर पर खिलाड़ी मौजूद, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। 12 गेंद में 24 चाहिए तो ये ओवर बड़ा करने की कोशिश करेंगे, खास करके बल्लेबाज गणेश गेंदबाजी करने के लिए, गणेश ढेरे गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इस ओवर की पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, छोटी गेंद थी, बैक फुट पर चले गए, आंसर की तरफ गेंद को खेलते हुए गैप में खेले गेंद, ट्रैवल बाउंड्री की तरफ जाते हुए शानदार फील्डिंग, 2 रन आप नहीं बचा पाएंगे लेकिन 2 रन एक बार फिर आपने बचाए भी हैं, मतलब यहां गेंद ट्रैवल हो रही थी, उछाल लेके एक बार फिर बॉडी लाइन की तरफ जाती हुई बहुत बढ़िया, विकेट के बीच 2 रन एक बार फिर दौड़े हैं बल्लेबाज, 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती है और स्कोर जा पहुंचा है 8 पर।
11 गेंदों का खेल चलते 22 रनों की जरूरत है। राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज गणेश ढेरे तैयार। कदमों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, टिप्पा एक बार फिर ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर था, गेंद के पीछे तक नहीं है बल्लेबाज, पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक अगर देखें तो दो बिंदी गेंदे खेले इन्होंने, 4 रन जरूर बनाए हैं, कोई चौका नहीं है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा यूआरडी टीम की तरफ से, यूआरडी फाइटर की टीम इस डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर स्टेडियम पर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस ओवर की अगली गेंद राइट टर्म ओवर द विकेट, और एक अच्छी गेंद बाउंसर था, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टाइम के बाहर था, ऑन साइड पर खेलने के लिए, लेकिन इस वक्त अगर देखे तो इतनी जगह नहीं थी। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन। इस ओवर की बात करें तो पहली गेंद पर डबल है, लगातार दो बिंदी गेंदे आए, 9 गेंदों का खेल से 22 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। क्या मुकाबला चल रहा है और क्या लाजवाब गेंदबाजी गेंदबाजों की तरफ से। ऑफ टाइम के बाहर गेंद, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है पॉइंट की तरफ, अच्छा स्ट्रोक खेला गया, पॉइंट पर एक बार फिर खिलाड़ी मौजूद है, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। अब 8 गेंदे शेष है, 21 रनों की जरूरत है। प्रेम ना हो तो सगे संबंध ही बेकार है, पैसा ना हो तो पॉकेट बेकार है, और चौका छक्का ना हो तो क्रिकेट बेकार है। यहां एक विकेट की तलाश है, दूसरी तरफ से एक बड़ा शॉट चाहिए, तब जाकर कमबैक करने का मौका मिलेगा। अभी मोमेंटम गेंदबाजों की तरफ है और इस मैच को गेंदबाजों ने पकड़ के रखा है। स्ट्राइकर रन पर बल्लेबाज तैयार शाहरुख। इस ओवर की अगली गेंद राइट ओवर द विकेट, नहीं शॉट अच्छा नहीं है, काफी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद थी, पहले से मन बना के इस गेंद को खेलने का प्रयास किया, शफल हुए थे, स्वीप करना चाहते थे, ट्रिगर मूवमेंट किया था, बॉल डालने से पहले बल्लेबाज काफी ऑफ टाइम के बाद छठे स्टंप की तरफ आए थे, टेलीग्राम गेंदबाज को मिल गया। देखिए आप गेंद डालने से पहले पैरों की मूवमेंट करेंगे तो टेलीग्राम गेंदबाज को मिलेगा, एक बार टेलीग्राम मिल गया, सही ठिकाने में गेंदबाजी करते हुए 7 गेंदों का खेल से जीत निकले। अगर देखे तो यहां से और 21 रनों की जरूरत, फासला बना हुआ है, अगर फासला है तो एक बार फिर हौसला गेंदबाजों को बनने वाला है। यह गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यह मैच किस तरफ रुक करेगा यह बताने वाली गेंद है। राइट अप ओवर द विकेट, खराब शॉट, यह भी इतनी ऑफ टाइम के बाहर वाली गेंद है, उसको आप एक बार फिर ऑनसाइड की तरफ लेके जाना चाहते थे। सोच कुछ अच्छी नहीं लग रही इस वक्त बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन प्रशंसा जरूर होगी गेंदबाजों की जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है। आप 6 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत है, और कहते हैं ना प्रॉब्लम मनुष्य से बड़ा नहीं होता, जो कि बीच मैदान पर आपको चौके छक्के तो चाहिए थे, आपने सिंगल कितने लिए, आपने डबल कितने लिए, आपने स्ट्राइक रोटेट कितना किया वो भी देखा जाएगा, बड़े शॉट तो चाहिए। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इसी तरह से हर गेंद आपको चौके छक्के के लिए नहीं आएगी, बीच में आपको स्ट्राइक रोटेट करना था, और पहले अगर देखो तो शुरुआत थोड़ी खराब हुई, अब जाके जो हुआ है उसके बारे में सोचना नहीं है, अब क्या करना है, क्या आप करना है मैदान के अंदर। 6 गेंदों में जीतने के लिए 21 रनों की जरूरत। निर्णायक ओवर, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रदीप सुरवे को बुलाया गया है। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज तैयार परवेज, अभी भी मैच बना हुआ है, यह मैच अगर देखे तो अभी भी बना हुआ है, थोड़ा सा पलड़ा गेंदबाजों का भारी है। यूआरडी फाइटर की टीम गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्टोक अच्छा है, ऑनसर की तरफ एक बार फिर गेंद को खेलते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे, दूसरे के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। 5 गेंदों का खेल से जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। अभी इस मुकाबले की बात कर तो आने वाली 2 गेंदे बहुत क्रुशियल रहेगी। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, एक खिलाड़ी दायरे के अंदर है, फ्लाइंग ट्रिपर खिलाड़ी मौजूद है, पॉइंट है, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। दिल की धड़कने बहुत तेज होते भी। राइट आर्म ओवर द विकेट, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। मैदान के अंदर देखे तो एक बार फिर कुछ अच्छा खेल नहीं हो रहा है बल्लेबाजों की तरफ से, हर गेंद को ऑनसर की तरफ खेलने का प्रयास, और उसके कारण परेशानी होती भी। जिंदगी की एक अजीब परिभाषा है, सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा है। फील्ड मैदान पर अगर देखें तो बल्लेबाज जिस तरह से, जिस अंदाज से बल्लेबाजी करें ना, वो अंदाज इंटेंट कुछ अच्छा नहीं है, सोच कुछ अच्छी नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं छोटी सोच और पैर में मोच आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं देती है, इसीलिए सोच का दायरा छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। अब जाकर आपके पास अभी भी मौका है, 4 गेंदों का खेल से 4 गेंदों में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। मोमेंटम एक बार फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम किसके पास है? गेंदबाजों के पास। और मोमेंटम दिखता नहीं, हवा के तरह होता है, महसूस करने की जरूरत। नहीं बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, मोहसिन मैदान के अंदर है, अच्छी गेंदबाजी, वही कहानी है,
तीन गेंदों में 20 चाहिए। अब जाकर देखे इस मुकाबले में आपने हर गेंद को ऑन साइड पर खेलने का प्रयास, ना स्क्वायर कट खेलने की कोशिश, एक बार स्क्वायर कट आया है, ना एक बार फिर आपने एक बार गेंद को कवर की तरफ खेलने का प्रयास किया है। तीन गेंदे 20 रनों की जरूरत है। यू आर डी फाइटर टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन मैदान के अंदर। यह भी गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश हो रही है। सिल्लोड की टीम के पास टैलेंटेड खिलाड़ी है, लेकिन इस वक्त इंटेंट कुछ अच्छा नहीं था, इसका फायदा गेंदबाजों ने उठाया। और गेंदबाज इन्होंने कहा कि एक भी गेंद अगर देखे तो गेंदबाजों ने स्टंप के अंदर नहीं डाली है, हर गेंद को पांचवें छठे स्टंप की तरफ डाला है, इसका फायदा इस वक्त फाइटर टीम को मिलता हुआ। ओहो बहुत बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। शाम के समय में एक बार फिर वो खाना पक रहा है, मुझे खाने की सुगंध आ रही है, और बीच मैदान पर यूआरडी फाइटर को अब जीत की सुगंध आ रही है, जीत का सात चक्रे का मौका मिलेगा। नाना इलेवन अंबरनाथ टीम के कप्तान को मैं विनती कर रहा हूं रिले हेड टॉस के लिए। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, यह भी एक बार फिर बहुत बढ़िया गेंद थी, सुंदर तरीके से गेंद को गेते हुए लॉन्गर की तरफ गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाएगी, चौका जरूर आएगा, लेकिन इस मैच में यूआरडी फाइटर ने जीत का सात चक लिया है। और ये कह रहे हैं ले जाएंगे पार दादा पवार चषक 2022 की खूबसूरत ट्रॉफी लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा, तारीफ जरूर होगी तुषार झगड़े की, गणेश ढेरे की, उसके बाद में प्रदीप सुरबे, और बहुत अच्छी कप्तानी रही है खास करके किशोर लवी की। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन यू आर डिफाइटर। अब चलते मैन ऑफ द मैच की तरफ, उससे पहले टॉस होने वाला है। धोनी कैप्टन या ठिकाणी सज्जा आहेत।